What is terpenoids? So terpenoids are also known as isoprenoids. Why? क्योंकि जो हमारे पास terpenoids है वो isoprene यूनिट से हमारे पास आइडेंटिफाई हुए हैं, उसी के बने होते हैं. सो isoprene क्या है या isoprenoid किसे कहते हैं? isoprenoids आर लार्ज एंड डाइवर्स क्लास ऑफ नेचुरल अग्रिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स ड्राइव फ्रॉम द 5-carbon कंपाउंड isoprene एंड isoprene पॉलीमर एज वी ऑलरेडी सेड दैट. And initially the term soil terpenoid was used to describe a mixture of isomeric hydrocarbons of the molecular formula C10H16 mainly occur in the turpentine and many essential oils obtained from the certain plants and trees. So जो हमारे पास terpene word है और जो compounds है इन दोनों को जब combine किया गया है तो हमारे पास collectively या jointly जो टर्म बनती है उसको क्या बोलते हैं? टर्पिनॉइड्स कहते हैं. ठीक है, तो अगर मॉडर्न टर्म में हम टर्पिनॉइड को डिफाइन करें तो टर्पिनॉइड इंक्लूड हाइड्रोकार्बन्स ऑफ प्लांट ओरिजिन ऑफ द जनरल फार्मूला C5H8 9. सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर आइसोप्रीन यूनिट एज वेल एज देयर ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोजनेटेड एंड डीहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स. ठीक है, सो टर्पिनॉइड रिप्रेजेंट द हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स. Terpenoids are naturally occurring compounds. Their occurrence is most widespread. The majority of terpenoids occurs in plant and few of them also been reported from other sources. So जो terpenoid के जो mostly terpenoid हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. कुछ ही है जो हमारे पास अदर रिसोर्सेज या सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं. ठीक है, तो टर्पिनॉइड हमारे पास वॉलेटाइल एंड फ्रेग्रेंट कंपाउंड्स होते हैं प्लांट के, जो कि आइसोलेटेड किए जाते हैं हमारे पास बाय द स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस या फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक्सेट्रा. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड द एसेंशियल ऑयल्स. दीज हैव बीन यूज्ड इन परफ्यूमरी फॉर द अर्लीस्ट टाइम. तो जो हमारे पास टर्पिनॉइड से एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन होते हैं वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं? वहाँ पास परफ्यूमरी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं परफ्यूम्स बनाने के लिए. तो नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आता है हमारे पास आइसोप्रीन रूल, जो कि हमें किसने दिया था? वेलिश ने दिया था. उसको डिफाइन किया था एज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग टर्पिनॉइड आर कंसिस्टेड ऑफ आइसोप्रीन यूनिट. तो वेलिश ने क्या डिफाइन किया था एज टर्पिनॉइड को? कि जो टर्पिनॉइड है हमारे पास वो किससे बने हैं? कार्बन स्केलेटन से बने हैं. मतलब कि जो उसकी कार्बन की जो स्केलेटन स्ट्रक्चर वो कैसे है? आइसोप्रीन यूनिट की बनी हुई है, जिसका फॉर्मूला क्या था? C5H8 9. ठीक है, द बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ आइसोप्रीन, जो कि हमने बोल दिया कि C5H8 9 है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ लिंक्ड आइसोप्रीन यूनिट. ओके, सो ये हमारे पास वॉलेज की डेफिनेशन थी. एंड इसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल आइसोप्रीन रूल. सो ये रूल हमें किसने दिया था? इनगोल्ड ने प्रपोज किया था इस रूल को, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास टर्पिनॉइड्स है वो कैसे लिंक्ड होते हैं हेड टू टेल फैशन में, इस तरीके से. राइट, सो दिस इज द सेकेंड नोमेनक्लेचर ऑफ टर्पिनॉइड्स. देन अगर हम क्लासिफिकेशन करें टर्पिनॉइड्स की, तो टर्पिनॉइड हमारे मोस्टली 7 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं. फर्स्टली हमारे पास आता है टर्पिन. तो टर्पिन में हमारे पास आते हैं, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट कितनी है? 1 है. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया हमारे पास? C5H8 9. ठीक है, सेकेंड पे आता है हमारे पास मोनोटर्पिन, और या इसको सिंपली टर्पिन कहते हैं. इसमें बस नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 2 है, तो C5H8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, मतलब कि 5 कार्बन 5 थी, तो यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कार्बन की वैल्यू कितनी होगी? 10. और 8 के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन एटम को, तो हो गया हाइड्रोजन 16. ठीक है, तो ये इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इसे भी आप देख सकते हो. फिर आता है सस्क्यू टर्पिनॉइड्स या सस्क्यू टर्पिन्स, मतलब कि नंबर ऑफ आइसोप्रीन इसमें 3 है. तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कि C5H8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 15 एंड 8 3 24. जिंजीबेरिन, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम्पल बन सकता है. फिर आता है हमारे पास फोर्थ डाइटर्पिन. डाइटर्पिन का मतलब है कि इसमें 4 हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट अवेलेबल है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया C20H32. राइट, फिफ्थ पे आता है हमारे पास ट्राई टर्पिन. नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट 6 है, इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास C30H48, मतलब कि कार्बन हमारे पास 5 थे, 5 × 6 30 हो गए, और 8 × 6 हमारे पास 48 होते हैं. राइट,
सिक्स नंबर पे आते हैं पास टेट्राडोल्फिन, या इसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स। तो इसके जो नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट है वो है 8, और इसका फॉर्मूला है C40H64। सेवन्थ है हमारे पास पॉलीटर्फिन, और इसको सिंपली हम रबड़ भी कहते हैं, रबर। तो इसके नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट हमने NF दे दिए है, तो इसका फॉर्मूला हो गया C5H8N। राइट, एग्जाम्पल दे तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा इसका रबड़। ठीक है, सो इसकी फर्दर जो हमारे पास क्लासेस है वो फर्दर इसके सब डिवीज़न हुए, जैसे कि एसाइक्लिक टर्फिनोइड्स, बाईसाइक्लिक, इस तरीके से। तो एसाइक्लिक टर्फिन हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास ओपन चेन स्ट्रक्चर सिर्फ सिंगल देते हैं, वन, जिसमें एक ही हमारे पास स्ट्रक्चर, उसको बोल जाएंगे हम एसाइक्लिक। एंड इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, फिर आता है हमारे पास मोनोसाइक्लिक टर्फिनोइड, जिसमें कि हमारे पास कैसे होगी, वन रिंग प्रेजेंट होगी मॉलिक्यूल में, उसका फॉर्मूला हो गया CnH2n। देन बाईसाइक्लिक का फॉर्मूला है CnH2n-2। एंड देन ट्राईसाइक्लिक टर्फिन्स, जो कि तीन रिंग्स हमारे पास कंटेन करता है मॉलिक्यूल के अंदर, एग्जांपल CnH2n-4। राइट,